Hello everyone, welcome to your Luckup Academy. My name is MD Arshad. Today we are discussing about the switch formula in Excel. Excel में मैंने ये अपने अनुसार एक डेटा तैयार किया है. ये कंपनी का नेम है. ये काफी इंडिया के क्लॉथ मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे रेमंड हो गया, अरविंद, वर्धमान, ट्रीडेंट, केपीआर, ये सब कंपनी काफी पॉपुलर है इंडिया में. ये इनके कुछ प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है. आप या किसी शोरूम में आप वर्क करते हैं तो वहाँ पे एक शोरूम में 50 तरह के ज़्यादा तरह के आइटम होते हैं. तो वहाँ आप जो है ना से एक्सेल सीट में हर क्वालिटी के कपड़े के ब्रांड नेम, साइज, रेट, कलर, ये सारे चीज़ को आप डिफाइन करते हैं. तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और एक लिस्ट में से उसमें से देख कर बताना, उसमें से ढूंढ कर बताना. तो आप उसमें क्या करें, आप उसमें एक्सेल सीट के अनुसार उसको सेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्या है कि मैंने अपने अनुसार बनाया है, आप अपने अनुसार शोरूम के अनुसार बनाएंगे. यहाँ कंपनी का नेम लिख के पूरी डिटेल लिख करके बना सकते हैं. मैं इसमें कमांड चलाऊंगा स्विच का. कैसे चला ये कमांड कैसे पता करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो ये कहता है कि रेमंड कंपनी का सूट मुझे स्मॉल साइज का चाहिए, तो मैं इसमें स्विच फॉर्मूले का यूज करूंगा और ये मैं उसको एक मिनट के अंदर, एक मिनट नहीं, दो सेकेंड लगेगा, और मैं उसको बता दूंगा कि मेरे पास ये कंपनी का स्मॉल साइज है या नहीं है. तो मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ इक्वल एस डब्ल्यू आई टी सी एच स्विच. अब यहाँ पे हम ये साइज को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे, फिर शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे हमें लिखना है एस फॉर स्मॉल, एस लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे स्मॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और अब स्मॉल के बाद हमें निकालना है मीडियम, तो एम, और फिर एम लगाने के बाद आप फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे मीडियम, मे डी एम, फिर यहाँ पे डी आई यू एम मीडियम, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे आप मुझे जानना है लार्ज, तो एल लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ लिखेंगे एल ए आर जी ई लार्ज, फिर शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कॉमा, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर करेंगे, तो ये हमारे सामने ये स्मॉल का सिंबल आया. अब इसको इस तरह से पकड़ के नीचे की ओर इस तरह से खींचेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ प्रोडक्ट स्मॉल है और कहाँ कौन से कलर में है, और कौन से प्रोडक्ट स्मॉल है, कौन सा लार्ज है, क्या मेरे पास ये अवेलेबल है या नहीं है. तो उसके लिए और भी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, इधर और भी इसमें जोड़ सकते हैं, इसका रेट क्या है, इस प्रोडक्ट में इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसमें कौन सा, इसमें क्लॉथ यूज़ किया गया है, कॉटन है, सिल्क कॉटन है, इस तरह के अपने अनुसार आप इसमें बहुत सारे चीज को आप लिख करके, मेंशन करके आप बता सकते हैं क्लाइंट को बिगर जो है ना से विदाउट कपड़े को दिखाए. अब उसमें क्या है कि जब ये सारे चीज आपको मालूम है तो ये भी आप इसमें रेक का भी काउंटिंग लगा सकते हैं कि कितने नंबर रेक में ये माल रखा हुआ है और इसकी ये कब हमारे दुकान में आई है, कब हमारे शोरूम में ये, कब से ये प्रेजेंट है, और इस ब्रांड में से या इस थॉक में से कितने क्लॉथ यहाँ से बिके हैं, कितने कलर सबसे ज़्यादा डिमांड में रहे हैं, और सबसे ज़्यादा साइज कौन सा सेल हुआ है. तो ये सारी क्वालिटी आप इसमें कॉलम वाइज बना सकते हैं और क्लाइंट को ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. जितना बेहतर आप इंफॉर्मेशन क्लाइंट को देंगे उतना वो आपसे इम्प्रेस होगा और वो आपके प्रोडक्ट को बिलीव करके आपसे परचेज करेगा. तो जो भी कोई क्वेरी है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.